हाल है? मॉर्निंग है जी सबको, रेडी वेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं डैम को छोड़ने। आज वीरवार का दिन, ब्लॉग डिले 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 हो जा रहा है, बट इट्स ओके यार। आज बना था तो फल खा लेते हैं और यही है भाई आजकल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज मी अभिषेक जायसवाल और आप देख रहे हैं अभिषेक जायसवाल व्लॉग। सो गाइस, होप करते हैं आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। कल का डे पूरा स्किप था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी दिक्कतें भी आ रही थी। ब्लॉग व्लॉग एडिट भी नहीं करा था तो एडिट कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे ये ब्लॉग आपको दिख जाएगा, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, ठीक है? और बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में ज़्यादा लंबे समय तक के लिए, ठीक है? दिखाते हैं क्या क्या होता है। सुबह के बज रहे हैं 8:07, हम निकलने वाले हैं। पहले जा रहे हैं मौसी की तरफ। साहिल को फ़ोन देना, मेरी बहन का फ़ोन ख़राब हो गया आईफोन, वो देना बनने के लिए। फिर वहाँ से निकलेंगे बहन को कॉलेज छोड़ने, फिर वहाँ से दो पार्टी के बाद जाना, फिर जाऊँगा ऑफिस, कई काम है तो भूल ना जाऊँ झेड़ पेड़। और आज है मंगलवार, आज है मेरा व्रत, दिस इज अ फास्ट डे, ठीक है? तो चलते मिलते हैं। घर पर आ चुके हैं, आज व्रत है तो फल खा लेते हैं और अब पूजा वूजा भी करनी है, ये सब चीज करेंगे, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। अमरूद भी है, सेब भी है, सब खा लेते हैं। व्रता भी आया हूँ ऑफिस से, मिलते हैं। The next day. Hello guys, good morning to all. अपन रेडी वेडी हो चुके हैं, रेडी क्या मतलब अपनी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ, फिर मुझे एक पार्टी के पास जाना, फिर आऊँगा घर पे, घर से नहा धो के रेडी वेडी हो के फिर चलेंगे ऑफिस, ठीक है? तो अभी जस्ट नॉर्मल रेडी हुआ हूँ, लोअर टी शर्ट डाल के बस उसे छोड़ के हूँ जेड पर, फिर अपना दो चार काम है, पेट्रोल भी डलवाना और ये सब काम करवा के फिर चलते हैं, आएंगे घर पे रेडी वेडी होकर फिर चलेंगे, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, बने रहे व्लॉग में। ऑफिस पहुँच चुके हैं, ऑफिस तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? ऑफिस ऑफिस पहुंच चुके हैं और अपना व्लॉग आज भी कंटिन्यू रहेगा। कुछ रीज़न थे इस चक्कर में व्लॉग इतना कंटिन्यू चल रहा है। अभी ऑफिस पहुंचे, थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो अभी आएगा, सफाई वफाई होगी, फिर ऑफिस ऑन होएगा, फिर जो भी होगा दिखाता हूँ आपको, ठीक है? फिर शाम को एक सरप्राइज़ है आपके लिए, मतलब व्लॉग इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अगर सही लगेगा तो ठीक है, देखते हैं फाइनल नहीं है वो, बाकी मिलते हैं, ठीक है?
हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मम्मी को स्कूल छोड़ आया था। कल शाम को हम गए थे मूवी देखने, जवान शाहरुख खान की, और उसमें कई एक्टर थे और कई चीज़ें थी। तो मैंने कहा यार क्यों ना इसे रिव्यू वीडियो कर दें। तो मैं रिव्यू देने आया था जस्ट। तो फिल्म अच्छी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा था साउथ की स्क्रिप्ट है, क्योंकि थोड़े गाने वाने भी वैसे थे और एक्ट्रेस भी बहुत सारे साउथ के थे। एक इंस्पेक्टर बनी थी और एक हीरो है, मतलब पुराना है, जो भी है विलन बना हुआ तो साउथ का ही है। और बाकी मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग बढ़िया है, मूवी बढ़िया है, और जैसे कंपोज करा मूवी को बहुत बेस्ट है। मतलब जैसे एक हाइप थी ना, इसे जान दो पहले चिल्ला जा रहा, अब सुनो मेरी बात। जो एक हाइप थी ना भाई पठान पठान पठान, वो तो बेकार हो गई थी। VFX में इतनी फेलरनेस दिखाई थी ना इन लोगों ने, कुछ नहीं। बट दिस इज यार वेरी, वो कहता ना भाई वो है सल्यूट, लेकिन अपने अगर सल्लू आए होते तो इस फिल्म में क्या एक्टिंग करते हैं यार। इसलिए मैंने कहा क्यों ना यार इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ये व्लॉग भी 2-4 दिन से चल ही रहा है, तो आज शाम तक या अभी तक देखता हूँ मैं कितना बना है, क्या शूट हुआ है। और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ होगा तो आज शाम को आके कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, फिर इस व्लॉग को डाल देंगे, ठीक है। तो बाकी मैं देखूँगा क्लिप व्लिप क्या बनी है क्या नहीं। हॉल में ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, कल 8:30 का शो था रात का, क्योंकि देखो टाइम मिलता नहीं, ऑफिस से ही जाना पड़ा। ऑफिस में भी ऑडिट वगैरह चल लिया तो लेट हो गए थे। 8:30 का शो था, पहुँचे वहाँ पर ग्रॉसरी पर, ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाया, बस फिल्म की थोड़ी सी क्लिप बनाई, क्योंकि इतना प्रेशर था। घर से फ़ोन आ रहे हैं, कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, झूठ बोल के गए थे, मेन चीज़ ये है। और इसमें एक्सपोज कर देंगे कि हाँ भाई गए थे, क्या हो गया। स्ट्रेस रहता है बट थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, सबको, चाहे कोई भी हो, सबको टाइम देना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। और तुम्हारा मन कर, मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था, मेरे पास तो जो करते ना पायरेसी हो जाती है, तो मेरे पास वीडियो आ चुकी है जवान की, दो आ रखी हैं, बट मैंने देखी नहीं। मेरे फ़ोन में कब से पड़ी है, हफ्ते हो गए, पर मैंने देखी नहीं थी। मैंने कहा यार देखेंगे हॉल पे जाके, क्योंकि मुझे ये हॉल पे देखनी थी मैं, क्योंकि जब भी हॉल पे बीच में भी गया था कई मूवी देखने, तो मैंने शूट तो करा ली। मैं छुप के जाता हूँ अक्सर, जब भी जाता हूँ ना मूवी देखना छुप के जाता हूँ। अभी जो मैंने कल वाला व्लॉग डाला है तो ये भी मैंने बना लिया था, सब कह रहे बना ले यार देखी जाएगी, कभी डाल देंगे बीच में, तो मैंने डाल दिया उस व्लॉग को। अभी देखो सब इकट्ठे होंगे जब क्या होएगा बवाल, बट मैंने डाल दिया यार मैंने कहा। और उस पर व्यूज़ वगैरह भी सही आए, क्योंकि क्लियरिटी मेन आती है क्लियरिटी पे बात, वो आईफोन से शूट करा हुआ था व्लॉग पूरा प्रॉपर, और ना कोई एडिटिंग है ना कुछ, प्रॉपर। मैं थोड़ा सा यार टाइम का इशू हो रहा हूँ, थोड़ा जैसे संडे वो पता मेन चीज़ क्या होती है, मैं सोचता हूँ इसकी आज शनिवार है, चल कल संडे, वैसे आज फ्राइडे है, तो मैं सोचता हूँ सैटरडे है, फिर यार रो भी होता है कोई शो तो अब मैं देखता नहीं डांस वगैरह का, इतना टाइम है नहीं टीवी देखने का। बट प्रेशराइज रहता है घर पर, यार कुछ करना है तो उस कंटेंट के लिए ना। तो अब बंदे मुझसे पता क्या कह रहा है, भाई तू एक काम कर ले, बंदे पता मुझसे क्या कह रहा है, भाई तू एक काम कर ले। मैंने क्या भाई, कह रहे या तो क्या कहते हैं, या तो ब्लॉगिंग कर ले या जॉब कर ले, भाई एक चीज कर, दोनों नावों में क्यों पैर रख रहा है। अबे मैंने कहा भाई देख, जॉब मैं कर रहा हूँ, मैंने सीखी कोई चीज़, मेरे को कंप्यूटर आता चलाने, मैंने टैली मतलब वहीं सीखी जहाँ जॉब कर रहा हूँ, कि अब मुझे 3-3.5 साल हो गए,
और उससे पहले मैंने ट्रांसपोर्ट में जो जॉब करी थी वहाँ पे उनकी बिल्टी एंट्री और चालान निकालना पड़ता था जो उस ई वे बिल का भी पार्ट होता है। तो वो सब मैंने उस टाइम ट्रेनिंग ली थी, सीखी थी। यहाँ पे आके टैली, और पहले टैली RP9 था, फिर प्राइम टू, और अब मुझे वो बिजी और एक जो मतलब कई सॉफ्टवेयर हैं तो मुझे आ गए यहाँ से आए। तो भाई और बैलेंस शीट वगैरह पर थोड़ा बहुत हादसा और करना है, तो मैंने कहा भाई मुझे मैं सीख भी रहा हूँ जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब इसलिए कर रहा हूँ थोड़ी इसकी ज़रूरत है स्टेबली। अगर मेरी मदद तो ऐसी है, मैं तुम्हें बताऊँ सच्ची बात कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी गया था ना 9th से, तो मेरी मम्मी कह रही थी तू अगर प्राइवेट पढ़ना है ना प्राइवेट पढ़ाऊँ, मेरा मन नहीं था गवर्नमेंट जाने में, मैं थोड़ा सा ऐसा है ना प्राइवेट के बच्चों तो भाई प्राइवेट में रहेंगे तो थोड़ा उस बेस पे था। तो मम्मी ने भी कहा यार देख ले, तो मम्मी तो चाहती है ना करे जॉब, बट थोड़ी सी फैमिली क्या कंडीशन ही अपनी ऐसी, समझ लो मिडिल क्लास है यार, तो कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट चाहिए। मेरी बहन भी अब कॉलेज में जा रही है, तो उसकी फीस है, कई चीज़ें आप देखते होंगे, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ, सब कहते होंगे मैं इतना बेवकूफ़ है, उसे पहले छोड़ने आता है फिर या तो सीलमपुर जाता है टाइम पास करने, या घर आता है वापस फिर जाता है, इतना पेट्रोल फूक रहा है वो कर रहा है। भाई मेन चीज़ क्या है ना, अब मैं उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ने जाऊँगा शिवबिहार, ठीक है, वापसी में वो खुद आने लगी, पहले मामा दो चार दिन गए, जाना तो गए भी नहीं, और मैं ही 6-7 बार तो मैं ले आया था उसे, तो जल्दी फिर हो जाएगा, पर मैंने कहा कोई बात नहीं वो आ जाएगी, अब मैं छोड़ मैं आऊँगा, अब थोड़ा लेट हो थोड़ा जल्दी हो कोई दिक्कत नहीं यार। और आज देखो मौसम बारिश वाला था तो आज वो गई थी, तो आज मेरे को थोड़ा आराम मिल गया, मैं लेटा क्या रहा, 2-4 ब्लॉग पेंडिंग चल रहे थे वो देखे मैंने, और कई चीज़ें हो गई, तो मैंने कहा यार अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। सो गाइस रिव्यू ये था, जवान मूवी देखने लायक है और थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे साउथ में आप देखोगे ना कई कई मूवियाँ इंटरेस्टिंग पैटर्न लेके चलती है अपना, तो वो इंटरेस्टिंग पैटर्न है इसमें, और मूवी यार बहुत गदर है, डबल रोल है, बाप बेटे वाला हिसाब है, पर उसे याद ही नहीं रहता, बाद में याद आता है, बट मैं आपको पूरा स्पॉइलर नहीं दूंगा, अगर आप फ्री हो आप पे है थोड़ी कंडीशन सही तो यार जरूर हॉल पे जाके देखो इस मूवी को, अगर नहीं देख सकते तो थोड़ा वेट कर लो, किसी नेटफ्लिक्स वगैरह किसी पे तो आ ही जाएगी, अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे तो आ ही जाएगी गारंटी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड और इस ब्लॉग को आज भी कंटिन्यू रखेंगे, शाम को थोड़ा सा वर्कआउट सेशन करते हैं फिर आपसे मिलता है, अगर नहीं कर पाया तो मैं शायद सीलमपुर भी जाऊँ शाम को, लेट भी हो सकता हूँ ऑफिस से क्योंकि थोड़ा काम वाम है कुछ, तो जैसे भी होता है दिखाते हैं, बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं सीधा ऑफिस चल के मिलेंगे, मैं क्योंकि मैं फ़ोन चार्जिंग पहले फ़ोन की बैटरी है 3% बची हुई है, तो फ़ोन चार्ज क्योंकि मैं रात को आया 12-12:30 बजे, मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, मैं सो गया खाना वाना खा गया, तो बस अपना ठीक है ऑफिस चल के मिलते हैं, डायरेक्ट फ़ोन वोन चार्ज कर लूँ, है ना। स्टे ट्यून्ड गाइस, ठीक है, लव यू और थैंक फॉर सपोर्टिंग। और कल मेरा एक सब्सक्राइबर घट गया था, फिर दोबारा बढ़ गया यार, एक वो होती है ना कि चल वहाँ पे इस क्या कहते हैं उसे, इतने पे है तो इतने पे है, एक गिरा भी तो एक बढ़ गया अपने आप ही, मैंने देखा 189, फिर मैंने आधे घंटे बाद देखा 190, मैंने चल सही है यार होने तो जो रहा। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और इतना ज़्यादा प्यार दे, मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग पे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहा आपको पता है, तो मैंने कल ही कल में जैसे मैंने कल डाली, कल 12 बजे हुई जो अपना टाइम होता है उस पर डाली, और देखा तो भाई 82 व्यूज़, मतलब मेरे स्टूडियो पे शो हो रहे थे उस पर तो नॉर्मल 72 व्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ यार थैंक यू गाइस सपोर्टिंग करने के लिए, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहो, बस कुछ नहीं, मेरे ब्लॉग अगर मेरे ब्लॉग के डेली 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, मेरे लिए वही इंस्पिरेशन है कि मैं
मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहा हूँ। अब भाई नॉर्मल उठना, सवेरे जॉब पे जाना आना सब कर रहे हैं। तुम्हारा भाई इसमें जब भी ब्लॉग बना रहा, बीच बीच में थोड़े बीच में कई कंडीशन ऐसे हो गए, नानी की डेथ हो गई और कई चीज़ें दिमाग में बहुत प्रेशराइज हो गए ना, इस चक्कर में पहले आप देखोगे पहले की वीडियो, चाहे मेरा 7 मिनट का बनना, चाहे मेरा 4 मिनट का, चाहे मेरा 2 मिनट का, मैं ब्लॉग डाल दूँगा पर डे वाला हिसाब। तो वो कंटिन्यू करेंगे दोबारा, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं ऑफिस, ऑफिस चल गया। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? और स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एज ऑलवेज, और व्लॉग को प्यार दिखा एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।